मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, उसमें आपको बहुत अलग अलग तरीके के पोर्ट्रेट्स हैं आपने जो बनाए हैं, कुछ एक लॉर्ड शिवा का भी है और कुछ। सो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है ये सब पोर्ट्रेट्स बनाने की? क्योंकि हमको एक कुछ देखते हैं उसके बाद ही हमें कुछ आइडिया आता है बनाने के लिए। एक्चुअली देखो, एक आर्टिस्ट को मतलब एक्चुअली क्या आर्टिस्ट है तो इंस्पिरेशन उसको ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशन की पर्टिकुलर एक जगह से मिलती है। आपको इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। आप कहीं मंदिर गए, उधर से कुछ एलिमेंट उठाया, या फिर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आप आसमान देख रहे हैं, आपने पत्तियां देख रहे हैं, आपने नेचर से, सबसे ज्यादा नेचर से इंस्पिरेशन मिलती है। और दूसरों के काम देख रहे हैं, दूसरों के काम से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। कि जैसे अगर आपको पता नहीं है कि लोग किस तरह का क्या क्या काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे, आप कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे कैसे इंस्पायर होंगे कि आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके अपने स्टाइल में कैसे बना सकते हो। तो अगर इंस्पिरेशन का एक कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता, इंस्पिरेशन तो कहीं से भी हो सकती है, जैसे एक बच्चे से भी हो सकती है और एक बूढ़े से भी हो सकती है। सो जैसे कोई किसी भी आर्ट फील्ड का तो ये कि इंस्पिरेशन का कोई सोर्स एवरीवेयर, मतलब हर जगह इंस्पिरेशन ही है, बस तुम्हें देखना आना चाहिए। मेन ये है कि आप आंखें मतलब मोबाइल में गड़ा के चलोगे तो शायद आपको सही इंस्पिरेशन दिखेगी कभी नहीं, मतलब कहीं देख ही नहीं पाएगी। कि अगर चलते हुए आप देखो कि कौन सी गली कहाँ जा रही है, कहाँ कौन लुट रहा है, कौन सा कबूतर कहाँ बैठा है, क्या बैठ रहा है, कंपोजिशन कैसे बन रही है, कंपोजिशन के ऊपर ध्यान दो। कि हाँ, जैसे फोटोग्राफी में भी कंपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है ना, तो वैसे ही आर्ट में भी रहता है कि हर कंपोजिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है। कि आप कहीं देख रहे हो और आप जैसे एक थोड़ी सी आंख बिजली करके आपने देखा कि हाँ ये कंपोजिशन बहुत प्यारी है, मैं इसको यूज करूंगा। सो ऐसे आर्ट जैसे ये नहीं कि आपने आंखें बंद करी और आपको इंस्पिरेशन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यह कि आप चीजों को देखते रहो तो अपने आप इंस्पिरेशन आती रहती है, बस आपको देखना आना चाहिए। सो आपने जैसे बताया यही है कि प्लीज हाँ नहीं मतलब जैसे ये है कि जैसे मैंने लॉर्ड शिव वाला बनाया था तो मैंने एक्चुअली मैं मंदिर में बैठा हुआ था तो वो एक्चुअली शिवा पोज का जो था ना वो तो मैंने मंदिर से देखा था। फिर उनके हाथ में जो क्या बोलते हैं हाथ में जो क्या बोलते हैं एनर्जी सोर्स है वो मैंने कहीं किसी कार्टून में देखा था, कुछ ऐसा कुछ देखा था। तो और उनके पास जो आसमान जो है चंद्रमा है वो मैंने थोड़ा सा बाहर से थोड़ा इंस्पायर होके, तो तीन चार एलिमेंट्स को मिला के मैंने एक एलिमेंट पूरा अपने तरीके से कंक्लूजन लगाया। ओके, सो जैसे आपने बताया कि इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है आप, तो इस प्रेशर को कैसे झेला? क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं इंसान जो बंदे होते हैं वो इस प्रेशर को भी नहीं झेल पाते, क्योंकि इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है उनको कि फैमिली रिलेटिव्स और बाहर वाले चार लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले बात तो ये। क्या चार लोगों ने बड़ा परेशान किया है, तो इस प्रेशर को कैसे आपने इस प्रेशर को झेलने का सबसे बड़ा तरीका एक ही था, मेरे पास एक ही उपाय था, वो आया अपना काम करते रहना। कि मैंने सबसे पहले तो उन चार लोगों को सुनना बंद कर दिया। फिर क्योंकि ये चार लोगों ने इतने कान भर दिए थे कि ये नहीं, थोड़ा वो डिप्रेशन मेरे को भी हो गया था कि यार होगा कि हो, कुछ होगा कि नहीं होगा, जल्दी जाएगी। तो ये चार लोगों ने बड़ा परेशान कर दिया मेरे को, ठीक है। पर फिर भी जैसे बोलते ना कि जब मैं थोड़ा सा होपलेस हुआ था थोड़ा बहुत, फिर मैं ऐसे लोगों को देखता जो इसमें सक्सेस हो रहा है। ऐसा नहीं मतलब अगर मैं देखता रहा हूँ लोगों को कुछ हो नहीं रहा तो मैं भी उनसे रिलेट करने लग जाऊंगा कि मेरा भी शायद इनके जैसा हाल हो जाएगा। पर जबकि मैं ऐसे लोगों को देख रहा था कि जो सक्सेसफुल थे तो मैं उनसे रिलेट कर रहा था कि अगर ये हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मेरे में क्या कमी, मैं तो एक्चुअली मैं हूँ तो मैं कर सकता हूँ, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो सबसे ज्यादा मैंने इंस्पिरेशन ऐसे लिया कि मैं जो बन गए मतलब जो सक्सेसफुल थे, जो इलस्ट्रेटर है अच्छे, मैं उनको देख रहा था कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मुझे उनसे बेटर करना है। मैं यही सोच रहा था कि मुझे उन जैसा नहीं, उनसे बेटर करना है।
अगर मैं ये देखता रहूं कि भाई कि पीछे क्या हो रहा है तो मैं हमेशा पीछे देखता रह जाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। हमेशा आगे देखते रहो। सीधी बात है यार, जब बाकी लोग कर रहे हैं, अगर बाकी कुछ लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते यार। कुछ आएगा, कुछ हाँ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आए होंगे, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आएंगे। ये नहीं है कि अगर बिना प्रॉब्लम्स के तो फिर मजा भी नहीं आएगा, जैसे मिठास नहीं रहेगी। तो प्रॉब्लम्स आएंगे आएंगे, तो उन्हें कोई जितना हार्ड स्ट्रगल होगा उतनी जब सक्सेस आएगी तो वो उतनी ही बोल सकते हैं मीठी होगी। हाँ मीठी भी होगी, और देखिए फेलियर बहुत आएंगे, क्योंकि बहुत फेलियर आते हैं कि आपको, क्योंकि कहते हैं कि आपके काम बन काम को सपोर्ट करने वाले बहुत कम है इस फील्ड में, आपको पीछे खींचने वाले बहुत ज्यादा है। यार कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा जिंदगी में, तो पीछे खींचने वाले बहुत ज्यादा है, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम है। तो आपको है ना सपोर्ट जो कर रहे हैं ना, उनकी जो सपोर्ट, उनको हिम्मत देना पड़ेगा कि हाँ ये लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा ही। उनको छोड़ो जो खींच रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाटा और आगे देखकर चलो। लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आप छोटी सिटी से आके अपने इस अलग फील्ड में गए, सो जो हमारे जो जो छोटी सिटी के जो लोग हैं उनके लिए आपके लिए आपकी टिप्स और मोटिवेशन क्या होगा कि यार अगर आप छोटी सिटी से हैं लेकिन फिर भी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअली देखो सीधी बात है, अच्छा करने के लिए छोटी सिटी से या बड़ी सिटी से होने से कोई मतलब नहीं। आप बड़ी सिटी से हो तो भी कोई बात नहीं है, छोटी सिटी से भी। बस ये कि हाँ आपको कुछ ढूंढने के लिए ना, जैसे आप अगर आपको कुछ अगर बड़ा कुछ ढूंढना है तो आपको है ना समुन्द्र में उतरना पड़ता है। आप नदी में या फिर तालाब में थोड़े टाइम तक रह लोगे, चलते रहोगे, पर आपको समुन्द्र में उतरना पड़ेगा अगर आप कुछ बड़े मोती निकालने हैं तो। सीधी बात है कि आपको समुन्द्र में लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। आप एक रेस में भाग रहे हैं, यहाँ पे दो या तीन लोग हैं वहाँ आप जीत रहे हो, यहाँ 50 लोग भाग रहे हैं वहाँ आप अपने आप को कंपेयर करके देखो, तब आपको कुछ आगे हासिल कर पाओगे। नहीं तो फिर मैंने काफी एक्चुअली मैं मेरे पास काफी दोस्त वगैरह कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि ये बंदा है पोर्ट्रेट बड़े अच्छे बनाता है, ये क्या कर सकता है। मतलब कि ठीक है पोर्ट्रेट अच्छे बनाता है, काफी चीजें हैं, पर क्रिएट क्या कर सकते हो तुम? सबसे बड़ी बात है तुम नया क्या, अपना क्या बना सकते हो? तुम दूसरों को कॉपी करके बना सकते हो, अच्छी बात है, मतलब ये भी अच्छी स्किल है, ये स्किल है। हाँ। ये तुम्हारी क्रिएटिव, तुम कॉपी करके ड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, वो तुम्हारी स्किल है, पर तुमने कुछ नया क्या क्रिएट कर किया अपना, अपने इमेजिनेशन से क्या किया है। हाँ वो बात है, अगर तुम अपने इमेजिनेशन कुछ करोगे ना, तुम मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने के लिए, वो तो फिर तो तुम अपने आप ही आगे निकल जाओगे। क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर आप कुछ नया क्रिएटिव डालोगे, आप पोस्ट ही करते रहो, कुछ भी नया क्रिएटिव करते रहो, पोस्ट करते रहो। आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना वास्ट हो गया कि आप अगर कुछ भी अगर अच्छा होगा क्रिएटिव होगा तो वो आपको आज नहीं तो कल पकड़ ही लेगा, कोई ना कोई तो आपको दे ही लेगा। सीधी बात ये कि आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, पता पड़ जाएगा कि हाँ लोगों को दिखेगा हाँ यार ये अच्छी अच्छी है, ये कुछ नया है हमने देखा भी नहीं है, ऐसा है। सो क्रिएट करते रहो, अगर क्रिएटिविटी का मतलब यही है कि आप क्रिएट करो, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करो। या सही बात है एकदम। सो मैं अभी आप का क्या चल रहा है सीन, अभी आपके आगे आने वाली कुछ बुक्स वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली अभी मेरा बुक का अभी प्रोजेक्ट नहीं, अभी एक्चुअली मैंने बताया मैं अभी गेम के कॉन्सेप्ट गेम के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो हाँ मैं एक्चुअली अभी गेम के लिए काम कर रहा हूँ, तो गेम का कॉन्सेप्ट पूरा जो डिज़ाइन है मैपिंग है मतलब उसके लिए मैप्स तैयार कर रहा हूँ। तो कुछ नया क्रिएटिव कैसे अपने क्रिएटिविटी को एक गेम के थ्रू लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि आजकल के टाइम पे आपको कुछ अलग अलग सोचते रहना पड़ेगा। मैं किताब में एक्चुअली मेरे काफी दोस्त हैं जो किताबें किताबें कर रहे हैं, पर मैं कुछ नया हमेशा कुछ ट्राई करता हूँ कि मैं कभी इस चीज में भी ट्राई करके देखूं, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।
एक्सप्लोर हर हर कोई करता है, और एक्सप्लोर करने से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ कुछ आज कुछ अलग किया, कुछ नया बनाया। आप वही एक सिंगल काम करते रहोगे तो आप कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा आर्ट ब्लॉक हो जाएगा, आर्ट ब्लॉक हो जाएगा, आपका कुछ सोचने का मन नहीं लगेगा, कुछ नया सोचने का मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जैसे 9 to 5 वाले काम करने लगे फिर वापस से। तो कुछ नया एक्सप्लोर करते रहो, क्रिएट करते रहो, वही है। और आप चैलेंजेस दो खुद को, जैसे खुद को चैलेंजेस दो, जैसे जैसे मैं काफी सारे प्रोजेक्ट है मैं खुद के लिए बनाता हूँ, मतलब मैंने कोई कमीशन नहीं है, मतलब किसी के लिए नहीं बनाया, मैं किसी को परचेज से सेल भी नहीं करता हूँ। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ, खुद को चैलेंजेस देता हूँ। जैसे मेरा अभी शायद एक नया पोस्ट देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पर, वो जहाँ पर मतलब कुर्सी पर लेटा हुआ मतलब बैठा हुआ है छोटा सा वो है, तो वो भी मतलब ऐसे ही खुद को करते हुए खुद को नए नए चैलेंजेस प्रोजेक्ट देते हुए और बनाते रहता हूँ। जैसे कभी मेरे को किसी और के लिए काम करने का मन नहीं है तो खुद के लिए काम करता हूँ। सो मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस फील्ड से, तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक जो है शुभम की वो मैंने डाल दी है, और आप इंस्टाग्राम पे इनसे बात कर सकते हो, और हमेशा ये हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अरे बिल्कुल मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं आप जिसको भी जिस इस फील्ड में या फिर इससे जुड़ी और किसी फील्ड में अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा तो मैं पक्का हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज जितने ज्यादा लोग जाने, जितने ज्यादा लोग समझे और उन्हें समझ में है कि हाँ ये भी एक करियर ऑप्शन है। तो इससे क्या होगा कि इससे लोगों के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी और मतलब जो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन भी बढ़ेगा एक तरह से, क्योंकि काफी लोगों को रिक्वायरमेंट्स हैं पर उन्हें पता नहीं कि उन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे मुझे पता है, जैसे मैं एक कॉफी शॉप खोल रहा हूँ, अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं अपना पूरे अपने कॉफी शॉप में एक नया सा विनेल बनाऊंगा, एक अलग ही वॉल आर्ट करवाऊंगा। अब वो भी इसी फील्ड में आता है, उन्हें रिक्वायरमेंट है पर उन्हें पता नहीं है वो किसके पास जाए या कहाँ जाए। तो आप इससे ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब इसको बहुत वास्ट है, बस ये कि आपको करते रहना पड़ेगा, कि ये नहीं कि आपको काम मिला है तभी करो, आप फ्री टाइम में भी करते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो, जिससे कि क्या है लोगों को आपको ज्यादा से ज्यादा काम सो के आपका पोर्टफोलियो मजबूत होना चाहिए। आप अपना पोर्टफोलियो लेके जाओ किसी के पास, दिखाओ कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो आपके पोर्टफोलियो देखे वो इम्प्रेस होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब ये ऐसा हाँ ऐसा काम तो मैंने देखा हुआ है तो कोई नई बात नहीं है, वही बात है। So, मतलब सिर्फ रुकना नहीं है, करते रहना है, और हमारा जो दूसरा राउंड है उसकी तरफ चलते हैं जिसका नाम रैपिड फायर राउंड है। सो अच्छा सो आप रेडी है? ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट योर फेवरेट? कलरफुल या। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट टिल नाउ? मोस्ट मेमोरेबल काफी सारे हैं मोस्ट मेमोरेबल, पर मुझे जस्ट अभी एक याद आ रहा है जब मैं जो स्ट्रगल की अभी बात कर रहे थे इसलिए मेरे को याद आ रहा है कि मैं एक ट्रेन में जैसे जहाँ पर सामान रखते हैं वहां पर मैं एक बार मतलब जब मैं क्लासेस अटेंड करने जा रहा था तो मुझे कोई टिकट विकेट नहीं मिली थी, तो मैं वहां पर ऐसे छुप के बैठ के मैं सो के गया था। उसका भी एक अलग ही मजा है अपना। हाँ तो मतलब मैं जब मैं सामान रखते ना थोड़ा छोटी सी जांगड़ी होती है मतलब छोटा सा वहां पर बैग वैग सूट के सकने के लिए, तो वहां पर मैं थोड़ा छुप के मैं सो के गया था। Your idol in illustration field, आप किसको follow करते हैं, किससे relate करते हैं? मेरे actually मेरे जो मेरे mentor हैं अतनु रॉय, वो एक अच्छे senior illustrator हैं, तो most famous cartoonist of the India, काफी आप search करोगे तो आपको famous cartoonist के नाम मिल जाएगा।
सो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। वो एक्चुअली उन्होंने अपनी ज्यादातर पूरी लाइफ इलस्ट्रेशन को डेडिकेट की, तो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, मतलब करना ज्यादा। सो फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट आइडियल टाइम फॉर योर क्रिएटिविटी, कि रात में दिन में, या जैसे मेरा होता है ज्यादातर कि मैं रात में एडिटिंग करने बैठता हूँ। एक्चुअली मेरा मोस्ट क्रिएटिव मतलब आइडल टाइम है रात में, कि रात में 9 से 12 बजे के बीच आराम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई कुछ नहीं पूछता, अपना आराम से बैठ जाता हूँ। तो पता भी नहीं पड़ता मेरा टाइम कितना टाइम निकल गया, बस कलरिंग कर रहा हूँ, कलर्स हाथ में लग रहे हैं, मतलब सब सही लगता है मुझे। रात का टाइम सबसे बेस्ट है इस चीज में। इस चीज से तो मेरे को लगता है सब जितने भी एडिटर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, सब रिलेट करेंगे रात का टाइम। एक्चुअली ना मैं क्या करता था कि मैं एडिटिंग में मतलब बहुत कम इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता बहुत देर तक, कि एक एक दो दो घंटे तक एक जगह बैठ जाऊं। लेकिन अभी मैंने जब सीखा एडिटिंग करना, सो रात में बैठता हूँ तो एक एक दो दो बज जाता है, पता भी नहीं चलता कब एक एक दो दो बज गए रात में। हाँ सही भाई, ये तो है, मतलब रात का पता भी नहीं पड़ता कि कितने एक एक दो दो बज जाते हैं। और फिर जब मतलब ऐसा नहीं है, थकान भी नहीं होती है उस समय, पता नहीं क्यों मतलब थकान भी नहीं होती है। ये है कि थोड़ा बहुत करके जैसे अपन थकान हो जाते हैं, वैसा नहीं होता, आराम से चलता रहता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आदत पड़ गई इसलिए शायद, या शायद पता नहीं। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्कूल, कॉलेज और वर्क लाइफ, योर फेवरेट। स्कूल लाइफ बेस्ट, क्योंकि जो भी है एक्चुअली क्या होता है कि मेरी स्कूल लाइफ बहुत अलग कलरफुल रहती थी। मैं कभी बंक मार गए दोस्तों के साथ, और नहीं तो जंप करके स्कूल छोड़ गए, फिर स्कूल में पिटे बहुत हैं हम लोग, ठीक है। कॉलेज के और टीचर्स के साथ मस्ती भी खूब की है एक्चुअली। कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं एक तरह से, कि उन ग्रुप्स में अपन रहते हैं। स्कूल में पूरी क्लास अपना ग्रुप है, कुछ भी होता है तो क्लास आ रही है भाई आ जाओ पूरी क्लास अपना ग्रुप है। तो स्कूल में क्या होता है कि अपनी टेंशन नहीं होता कि यार असाइनमेंट देना है, वो असाइनमेंट देना है, या फिर वो करना है। स्कूल में एक ही टेंशन रहता है कि छुट्टी कितने बजे होने वाली है, बेल कितने बजे बजेगी। सो थैंक यू शुभम, बहुत सारा थैंक यू आपको हमारे शो पे आने के लिए, और आई होप कि बहुत लोग इसको देखें और इंस्पायर हों कुछ न्यू करने के लिए, आगे आए। और थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू। सो चलो फिर मिलते हैं फिर। यस, सो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि ये थे शुभम, और हम नेक्स्ट एपिसोड लेके और आएंगे ऐसे ही नए नए कलाकार लेके। आप इंस्पायर हुए, कुछ नया करिए, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।